मुझे कुछ नहीं हुआ है मम्मी, मैंने माँ की जान बचाने के लिए अपनी किडनी डोनेट करने का फैसला किया है। तुम्हें क्या लगता है, इसे होश आने वाला? कुछ कह नहीं सकती, लगता है अनकॉन्शियस माइंड में इन्हें कोई बात याद आ गई है। अब कौन है और क्या बकवास करें हमें कुछ नहीं पता, आप जाइए यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुला देंगे। ये कह तुमने, मैंने नहीं सुना, दिल से कह ना, पुलिस को बुलाएगी शायद क्या? चल बुला पुलिस को। अरे मैं कौन बताएगा पुलिस को कि तू कितनी बड़ी जादूगरनी है? ये मैडम, मैंने सब देखा था, अपनी आंखों से देखा था। मेरे तो आज लॉटरी निकल गई, लॉटरी। चल जल्दी से माल ढीला कर, वरना मैं सारी दुनिया में घूम घूम कर बताऊंगा कि तू कितनी बड़ी जादूगरनी है। चलो माल निकाल। एयरपोर्ट यहाँ से, जस्ती पंकज मत कर, वरना उड़ा देगा तेरे। कौन है? समन, समन कोई नहीं है समन, अब चलिए ना, हम आपको बताते हैं। चलिए 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 सब। ये कौन है? चलिए ना समन। ये है कौन? चलिए हम बताते हैं आपको। अंग्रेजी बोतल में देसी शराब। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हें हैरेस कर रहा था? Why didn't you tell me before? समान शराब पी हुई थी उसने। अभी नोश करना शर्त आता हूँ। समान, इसलिए हमने आपको पहले नहीं बताया था। काकुल, कम से कम उसे पुलिस के हवाले तो कर सकते हैं ना? समान प्लीज, आज बहुत टाइम बाद हम दोनों ने साथ में एक इतनी अच्छी शाम गुजारी। आप चाहते हैं कि एक शराबी की वजह से हम सारा मजा किरकिरा कर दें? पर कोई तुम्हें तंग करे, कोई तुम्हें छुए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम जानते हैं समान, उस दिन जब बाबूजी से निडर होकर आप खुद हमें अपने साथ लेकर आए, तब हमने वो सारी पुरानी बातें बुला दी समान, जिन्हें लेकर हमें कभी आपसे शिकायत थी। अब तो बस एक ही बात का डर सताता है समान, कहीं आपका प्यार फिर से किसी ने हमसे छीन लिया तो। अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों के बीच में और कोई नहीं आएगा, आई प्रॉमिस। पर अब तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा कि पहले की तरह तुम, अगर तुम्हें कोई भी बात परेशान करेगी तो पहले की तरह तुम अंदर खुद में उससे उलझती नहीं रहोगी, जूझती नहीं रहोगी, तुम वो बात मुझसे करोगी ताकि हम मिलकर किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी मुसीबत को सॉल्व कर सकें। प्रॉमिस। अब मैं क्या बोलेगी तेरे को, मेरी गेम शुरू होने से पहले ही इस बेवड़े की एंट्री हो गई, इसे तो रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। लेकिन तेरे को थोड़ी बोलेगी, ये तो मुझे श्लोक वर्मा को बताना पड़ेगा। आप फिर यहाँ? डॉक्टर ऋषभ, मैं यहाँ सिर्फ, मैंने आपसे कह दिया है कि मुझे आपको कोई दिलचस्पी नहीं, आई एम नॉट इन लव विद यू एनीथिंग पीरियड। लेकिन आप गले पड़ गई, मैं सोच रहा था कि आप एक सोफिस्टिकेटेड समझदार औरत हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपको तो कुछ समझ ही में नहीं आता है, पीछे पड़ गई है मेरी, और बिना इजाजत के घर में घुस आई है, पता नहीं बेला बुसला के मेरे बेटे को क्या करेगी। Come on, pick up the phone. डॉक्टर ऋषभ, आप जितनी आसानी से मुझसे दूर भागने का नाटक कर रहे हैं, उतनी आसानी से मैं फोन नहीं उठाने वाली। अच्छा,
मैं जा रही हूँ। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी सिमी जी को फोन करने की? तुम मुझे नहीं बता सकती थी बंटी बीमार है? पर साहब, मैंने आपको फोन किया था, आपने कहा कि आपको परेशान मत करो। तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि वो उल्टियाँ कर रहा है, बुखार है उसे। तब ऐसा नहीं था साहब, जब मैंने आपको फोन किया उसके बाद ऐसा हुआ तो मैं घबरा गई और बंटी पापा ने मुझे सिमी मैडम का नंबर दिया। उसने नंबर दिया और तुमने फोन कर दिया? तुमको जब रखा था तो तुमसे कहा था ना कि बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना, ये ख्याल रखा तुमने? पर साहब, बंटी बाबा के लिए ही तो सिमी मैडम को। ओ शट अप, किसी और मैडम को आगे बंटी को देखना था तो फिर तुम्हारा क्या काम है? चलो जाओ। मत उठाओ फोन अगर नहीं उठाना है तो। Who cares? Please forgive me. अब मैंने तेरे को सब समझा दिया, तू संभाल लेना। घबराओ नहीं, मैं पता लगाऊंगा कि वो शराबी कौन है। और हाँ, इन छोटी छोटी बातें पर ध्यान मत दिया करो। अरे ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, तेरे को समझ में नहीं आता। ओके ओके, रिलैक्स, हम कल बात करते हैं। लेकिन तू कुछ करना जरूर मेरे को। ठीक है, आप कल हमारी उनसे जरूर बात करवा दीजिएगा। थैंक यू। किससे बात करी थी मैडम? बाबूजी से। That's good news. चलो अच्छा, बाबू साहब से तुम्हारी बातचीत शुरू तो हुई? बाबूजी से बात नहीं हुई समान, वो घर पर काम करने वाले ने फोन उठाया था। बाबूजी हमसे बात नहीं करना चाहते। अरे बहुत प्यार करते हैं तुमसे। चलो हम भी देखते हैं और कितने दिन अपनी काकू से बात किए बिना रह सकते हैं। बातें इससे कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है सम्मान। जब तक बाबूजी देविका दीदी को चिराग नहीं लौटा देती, देविका दीदी हमसे नाराज रहेंगी और मम्मी जी भी ताने सुनाती रहेंगी। बहुत कुछ किया तुमने मेरे लिए, मेरे इस परिवार के लिए। अब अपने परिवार का मुंह बंद करना मेरा फर्ज है। अरे जगताप, कहाँ हो नाज? कहाँ गई थी तुम? मैंने तुमसे कहा था अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे आदमी से कहो। हाँ, तुम्हें यहाँ इसलिए रखा है ताकि तुम इसका ध्यान रखो, इसके साथ रहो। मैं नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर इसे कुछ हो जाए, समझी तुम? सर वो मैं, इट्स द लास्ट वार्निंग, यू गेट दैट? सॉरी सर, बट आप धीरे बोलिए प्लीज। पेशेंट के सामने इतनी चिल्लाकर बात करना अच्छा नहीं है, उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। किसकी सेहत की बात कर रहे हो? इसकी, इसे क्या फर्क पड़ता है मेरे ऊंचे बोलने से? ये कहां मेरी आवाज सुन सकती है? ये मुझे घूर कर क्यों देख रही है? मैंने आपसे कहा था ना, चिल्लाकर बात मत कीजिए, उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो जिंदा है, कोमा में है, सब कॉन्शियस माइंड में सब सुन सकती है, सब समझ सकती है। ठीक है, आइंदा से ध्यान रखूंगा, लेकिन तुम यही रहना, अगर थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाना तो बता के जाना, समझे? स्लीप वेल, सब ठीक हो जाएगा। ये बात मेरे समझ में आ गई है कि श्लोक तुम्हारा भला नहीं चाहता, लेकिन दुनिया में कुछ लोग होंगे जो तुम्हारी परवाह करेंगे। मैं गॉड से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे अपनों को तुम्हारा जल्दी पता दे दे। काकुल, 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 मैं आ रहा हूँ, काकुल, 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 सामने आओ, काकुल, तुम सामने क्यों नहीं आ रही? आपको हमें ढूंढना होगा, काकुल, 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 होशियार रखो काकुल, मैं तुम्हें निकालूंगा काकुल, काकुल मुझे अपना हाथ दो, काकुल मुझे अपना हाथ दो, काकुल, कम ऑन, कम ऑन, काकुल,
तुम्हें कौन खींच रहा है काकुल? काकुल तेरा हाथ नहीं छोड़ना काकुल, काकुल तो मेरे साथ ही है, फिर ऐसे सपने का मतलब? सुबह सुबह किस मूड में? क्यों आपको हमारा मूड पसंद नहीं है? अब नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर कौन सी बात है? शायद कल रात को की भी बातें भूल गए आप। कौन सी बात? यही कि पहले मम्मी जी, देविका दीदी, बाबू जी सबका दिल जीतेंगे। अब मेरी समझ में आया कि तुम किस भंवर में फंसी चिल्ला रही थी। सम्मान 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 बचाइए। कहाँ, कब? मैडम वो क्या है कि हम सपने भी तो आप ही के देखते हैं। और आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, सपने में भी और हकीकत में भी, और हम जा भी खा सकते हैं। हमें कभी खुद से दूर मत करना सम्मान। कभी नहीं करूँ। इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। सम्मान, माँ, माँ यहाँ पे आके देखिए, देखिए क्या बेशर्मी हो रही है। देविका दीदी, क्या हो गया? आप इस तरह क्यों बोल रही हैं? क्या हुआ देविका, क्यों चला रहे हो? अगर आप देखते कि आपके किचन में दोनों क्या कर रहे हैं तो आपको भी शर्म आ जाती। देविका दी, बताइए माँ को काकुल ने ऐसा क्या किया जिससे देख के माँ को शर्म आ जाएगी? बताइए, क्यों फिजूल में माँ के सामने जहर उगल रही हैं? क्या जरूरत है उसकी? मैं जहर उगल रही हूँ सम्मान? ये काकुल के खिलाफ जहर उगल रही? तुम ये भूल गए हो कि इस घर में रहते कैसे हैं? तुम दोनों को रोमांस करने का इतना शौक है ना, तो कमरे में जाओ। देखिए देविका दी, सम्मान प्लीज, शायद हमारी ही गलती। ये रोनी सूरत बनाकर क्या नाटक कर रही हो? मेरे बेटे को भड़काना चाहती हो? माँ, काकुल से बात करने का ये क्या तरीका हुआ? माँ आप किसी की भी बात पे विश्वास कर लेती? देविका दी की बात पे विश्वास करके आपने काकुल पे सारा गुस्सा निकाल दिया। इस सब में काकुल की कोई गलती नहीं थी। इस बार काकुल के इरादे ठीक नहीं है माँ। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से सम्मान को गले लगते हुए देखा। मुझे देखते हुए भी वो बस सम्मान, तू इसी तरह साथ देते जा, तब तो इस घर को आसानी से तोड़कर बिखेर देगी मैं। सम्मान, आपको मम्मी जी और देविका दीदी से हमारी वजह से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। सम्मान, क्या गलत किया मैंने? ये तो मैं शुरू से जानता था कि माँ तुम्हें पसंद नहीं करती, देविका दी भी तुम्हें पसंद नहीं करती, ये मैं नहीं जानता था। ठीक है, अगर एक पति पत्नी एक दूसरे के गले लगे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं वो? फिर भी अगर देविका दी को ये बिहेवियर ऑब्जेक्शनेबल लगा, बड़ी बहन है, वो प्यार से बात कर सकती थी, प्यार से समझा सकती थी,
ऐसे शोर मचाने की क्या जरूरत थी? माँ के सामने तुम्हें नीचा दिखाने की जरूरत क्या थी? साला, आज तो तीर एकदम निशाने पे लगा है। सॉरी काकुल, वो तुम्हें माँ की देवी का दी की बातें सुननी पड़ गया। I'm sorry. आप घर की छोटी छोटी बातों से परेशान मत हुआ कीजिए, हम सब संभाल लेंगे, आप बस काम पर ध्यान दीजिए। काकुल, मैं काम में ध्यान कैसे दे सकता? आज बैंक मैनेजर के साथ मीटिंग है लोन के लिए, पर इन सब चीजों की वजह से सारा मूड खराब हो गया। तो हम मूड अभी ठीक कर देते हैं। सम्मान, लोन किस लिए? वंशिका को उसके 2.5 करोड़ रुपए वापस करने हैं और अपना कुछ नया काम भी शुरू करूंगा। ऐसा ही होगा सम्मान, ऐसा ही होना चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में कहा था कि इस सबसे दूर अपनी एक अलग छोटी सी दुनिया बनाएंगे, याद है ना? हाँ, ऑफ कोर्स। जब आप हॉस्पिटल में थे और हम पटना से आए थे। ये लो मैडम, ये तब की बात है जब दादी हॉस्पिटल में थी और हम भाग के शादी करने वाले थे, कुछ याद आया? नहीं यार। I'm so sorry, सम्मान। पता नहीं हमें क्या हो गया, जब से वो एक्सीडेंट और वो चोट, पता नहीं सब कुछ भूलने लगे, हम कुछ याद ही नहीं रहता हमें। मैडम, इसमें एक्सीडेंट और चोट का कोई लेना देना नहीं। मैडम, वो क्या है कि आप स्ट्रेस बहुत लेती है ना, बस ये सब उसी की वजह से। खैर, मैं तैयार होकर मीटिंग के लिए निकलता हूँ। यू जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सम्मान, जब तक आप बैंक का काम करके आते हैं, हम हॉस्पिटल जाकर नेहा और कौशल्या बुआ से मिला। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खुश हो जाएंगे वो तुम्हारे वहां आने से। बोलो। मैं हॉस्पिटल के बहाने घर से निकल रही हूँ, तेरे से मिलना बहुत जरूरी है अभी। श्योर, मैं वेट करता हूँ। वो तो अच्छा हुआ मैं सामान को पटा के वहां से ले गई, वरना अपनी गेम तो कल रात को ही दी एंड हो जाती। ये खेल इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दूंगा। वैसे माई और बाबा कैसे? ऐश कर, आखिर इतनी कमाऊ बेटी को पैदा किया। देख, तेरे को जो करना है तू जल्दी कर। वो काकुल की सास है ना उत्तरा, और वो दूसरी आइटम देविका बहुत किट-किट करती है, मेरे को नहीं जमता है। और सम्मान को भी जो करना है जल्दी कर, बार बार पुरानी बातें याद दिलाते रहते हैं, मेरे को तो डर ही रखते रहते हैं। मेरे पे डाउट हो गया तो? सम्मान। हाँ हाँ, मैं सम्मान के बारे में ही बात कर रही है। तुम्हारे पीछे है। पीछे मत देखो, लगता है तुम्हें फॉलो करके यहाँ पहुंच गया। अपनी गेम तो आज ही थी। सम्मान तुम्हारे और करीब आ रहा है। मिस्टर चौधरी, मैं विजय कुमार, बैंक मैनेजर। आपसे फोन पर बात हुई थी, आपने आने में काफी देर लगा दी। सर, आई एम रियली सॉरी, मुझे जरा 2 मिनट दीजिए, कुछ जरूरी काम आ गया। प्लीज जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज। ओके ओके, हेल्प मी। काकुल कहाँ है? ओ सम्मान, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। काकुल कहाँ है? एक्सक्यूज मी, या काकुल कहाँ है? लगता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। काकुल तुम्हारी बीवी है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। यहाँ इस रेस्टोरेंट में मेरे साथ क्या करी? That's exactly what I want to know. यही मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बीवी तुम्हारे साथ इस रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी। एक्सक्यूज मी,
तेरे महाशय को बता दीजिए कि मैं यहाँ अकेले बैठा था और शायद ये इनकी बीवी को ढूंढ रहा है, तो इनकी हेल्प कर दीजिए। डोंट टेक मी रॉन्ग, इस खेल को, इस नौटंकी को यहीं बंद कर दो। मैं खेल खेलने का आदी नहीं हूं। मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी, अब हम कुछ बिजनेस की बात करें। आपको दो मिनट इंतजार करने के लिए कहा था, आपसे दो मिनट इंतजार नहीं होता। किस तरह के आदमी आप? ये किस तरीके से बात कर रहे हैं आप? अब मेरे पास आपके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। Go to hell! इतनी जल्दी श्लोक कहाँ जा सकता है? नाम शोरों का खुली थी, मुझसे कह रही थी तबीयत ठीक नहीं, हॉस्पिटल जा रही नहीं, ऐसे के लिए और यहाँ श्लोक के साथ बैठी थी। I don't believe it. हैप्पी माँ, अच्छा बताइए ये अचानक फोटो खींचने की क्या सोची? कुछ नहीं, वो मैंने सोचा बहुत दिन से हमने साथ में कोई तस्वीर नहीं खींची ना। मैं बताती हूँ, अगर इस ऑपरेशन के दौरान आपको कुछ हो जाए तो आप चाहती हैं कि आपकी यादें इन फोटोज के थ्रू मेरे साथ रहे, है ना? माँ, माँ आप ये सब क्यों सोच रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा, ये जानती है ना? हाँ माँ, आप बिल्कुल पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से इस ऑपरेशन में जाइए और आप देखिएगा आप बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। हेलो मैम। मैम नहीं, सिमी कहो प्लीज। ओके। एंड ऑल द बेस्ट नेहा, तुम्हारी मामा के ऑपरेशन के लिए और तुम्हारे लिए भी। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू। एंड प्लीज ऑपरेशन के बाद शरद से कहना मुझे फोन करके इन्फॉर्म कर दे। ओके जी, थैंक यू वंस अगेन। ओके देन, बाय। चलें। चिंता मत कीजिएगा, ठीक है? I love you. All the best. और बिल्कुल मत घबराना, मैं यही हूं, मैं तुम्हारा इंतजार करूं। I know. कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, यहाँ सारे डॉक्टर अपना काम जानते हैं, आप इत्मीनान रखिए। इत्मीनान रखिए। मैं वक्त पे पहुंच गया। बेटा तुमने आज ये साबित कर दिया कि सिर्फ माँ बाप ही अपने बच्चों की खातिर कुछ भी नहीं कर सकते, बच्चे भी अपने माँ बाप से उतना ही प्यार करते हैं। गॉड ब्लेस यू, इसका ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ऑपरेशन के बाद ही बिल्कुल ठीक होगी, विल बी फाइन। अपना ख्याल रखना नेहा और घबराना मत। चलो लेट्स गो, चलो चलो चलो। भगवान पे भरोसा रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और कौशल्या भाभी के लिए तुम दोनों जो कर रहे हो ना, शायद ही वो कोई कर पाते।
नेहा कहाँ पापा? बस अभी उसे अंदर ले गए। वो घर आने में देर हो गया है। I just wanted to wish her। काकुल कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आई? काकुल यहाँ नहीं है? बेटा वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। जब तक आप बैंक का काम करके आते हैं, हम हॉस्पिटल जाकर नेहा और कौशल्या बुआ से मिला। काकुल भाभी तो सुबह से यहाँ नहीं आई हुई, हमें लगा आपके साथ। मम्मा, मैं फोन कर लूँ? मुझे बंटी से बात करनी है। नहीं बेटा। मम्मा, बस थोड़ी देर, मैं बस पूछूंगी कि बंटी कैसा है और फोन रख दूंगी। प्लीज मम्मा। बेटा, बंटी अपने पापा के साथ है, उसके पापा उसका पूरा ख्याल रख रहे होंगे, ये भी फाइन। लेकिन वो तो अभी हॉस्पिटल में होंगे और बेचारा बंटी लक्ष्मी के साथ होगा। He must be feeling so lonely. मम्मा, मैं प्लीज थोड़ी देर फोन कर लूँ। सोनिया, डोंट मेक इट एनी मोर डिफिकल्ट फॉर मी प्लीज। एटलीस्ट आप ही तो फोन करके पूछ लीजिए वो कैसा है। आप ऐसा कीजिए कि ऋषभ अंकल के घर पे फोन कीजिए। ऋषभ अंकल घर पे नहीं होंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उनके घर पे फोन किया था। फोन कहाँ है? हेलो। हेलो बेटा, सिमी आंटी बोल रही हूँ। अब तबीयत कैसी है? ठीक है, मुझे दवाइयाँ खाने से बहुत नींद आ रही है। बेटा सोते ही मत रहना, कुछ खाना भी प्लीज। नाश्ता किया था ना? किया था, पापा ने खिलाया था, लेकिन आंटी मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे कैसे चलेगा बच्चा, खाना तो पड़ेगा ही ना। आप एक काम करो, लक्ष्मी को फोन दो, मैं बात करती हूँ उसे। लक्ष्मी तो आज घर पे नहीं आई। व्हाट, मतलब तुम घर पर अकेले हो? बेटा पापा को पता है कि लक्ष्मी नहीं आई? नहीं, पापा तो हॉस्पिटल गए हैं, उनको लगा था कि लक्ष्मी लेट आएगी इसलिए वो चले गए। अब पापा के जाने के बाद लक्ष्मी का फोन आया था, लक्ष्मी ने कहा था कि वो काम पर अब नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पापा ने कल रात उनको बहुत डांट दिया था ना, इसलिए। तो मतलब जब तक पापा घर नहीं आते तुम अकेले रहोगे घर पर? डोंट वरी आंटी, मुझे आदत है। लेकिन बेटा अगर आपको भूख लगी तो फिर मैं पापा को फोन कर दूंगा। अच्छा, सोनिया से बात करो, एक मिनट बेटा, बात करना चाहती हूँ। हेलो बंटी, कैसे हो तुम? आई प्रॉमिस मायसेल्फ कि मैं उस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगी, लेकिन बंटी को भूखा नहीं कैसे रख सकती हूँ मैं। काकुल, तुम हॉस्पिटल जाने वाली थी नेहा से मिलने के लिए, फिर गई क्यों नहीं? जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम नेहा से मिलने हॉस्पिटल जाने वाली थी ना? क्या बात है तुम्हारी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, तुम ठीक तो हो ना? हम हॉस्पिटल जाने ही वाले थे, टैक्सी में पता नहीं क्या हुआ, एकदम से ये चक्कर आने लगे, सर दर्द होने लगा। हमने टैक्सी वाले को बोला कि वापस यहाँ लेकर आ जाए, उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं, शायद हम बेहोश हो गए थे। बेहोश हो गए, कुछ याद नहीं, तो यहाँ तक कैसे आई तुम? वो टैक्सी वाला ही वापस लेकर आया ना, बाहर उसने हमें हिलाकर उठाया, पता नहीं घर के अंदर कैसे आए। जब से आए यहीं पर लेटे, उठने की कोशिश करते हैं तो समय और भी दर्द होने लगता है। मैं काकुल के बारे में कितना गलत सोच रहा था, जबकि वो खुद कितनी बुरी हालत में है। डॉक्टर से बात की? काकुल, दादी या देवी का दी से कहकर डॉक्टर को बुलवा लेती? हम उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहते थे सर। इसमें तकलीफ ही कौन सी बात है, मैं भी बात करता हूँ डॉक्टर से। नहीं सम्मान, आप आ गए हैं ना, हम ऑलरेडी बेटर फील कर रहे हैं। काकुल वो सब तो ठीक है, पर दवाई तो लेनी है ना। सम्मान, हम दवाई ले लेंगे, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? आप हॉस्पिटल जाइए। तुम्हें इस हालत में छोड़ के मैं हॉस्पिटल कैसे चले जाऊँ? सम्मान, हम अपने ही घर में, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं?
हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप जाइए। ठीक है, फिर डॉक्टर से बात करके दवाई ले लेना। ले लेंगे। मैं चलता हूँ दादी। तू सीधा हॉस्पिटल ही जा रहा है ना? जी। ये सूजी का हलवा है, नेहा को देना, उसे बहुत पसंद। ठीक है दादी, संभल के जाना। जी दादी। अगर काकुल रेस्टोरेंट में नहीं गई तो फिर ये टिश्यू घर पर कैसे आया? इसका मतलब श्लोक के साथ मैंने जिसे देखा था वो काकुल ही थी। क्या हुआ सम्मान? नहीं कुछ नहीं दादी। अब क्या पोजीशन है भैया? अभी तक ऑपरेशन चल रहा है। ये दादी ने नेहा के लिए भेजा, सूजी का हलवा पसंद है ना नेहा को? अम्मा को भी सबकी फिक्र रहती है, अपनी बहू के लिए अपने हाथों से हलवा बनाकर भेजा है। ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल, बस अब हमें यह देखना है कि कौशल्या आंटी की बॉडी किडनी को एक्सेप्ट कैसे करती है। किसी एक नए ऑर्गन को एक्सेप्ट करना ना करना ये बॉडी पर डिपेंड करता है। फिर भी मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमें कल सुबह तक इंतजार करना होगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ रुकने से कोई बात बनने वाली है। आप लोग जाएं घर, आराम करें। पापा मैं हूं ना यहाँ, आप घर चले जाइए। ठीक है बेटा, हम चलते हैं, फोन करते हैं। हाँ चले। बेटा मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत दोबारा वापस दूंगी। कौन सी अमानत दादी? तुम्हें याद नहीं आ रहा? मैं याद दिलाती हूँ, जब तुम पहली बार इस घर में शादी करके आए थे ना, तो उस वक्त मैंने तुम्हें एक चीज दी थी, वो तुमने बाद में सिंथिया को दी थी। लेकिन अब सिंथिया तो नहीं है ना, मुझे लगता उस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। अब तो तुम समझ ही गई होगी कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूं। वो हार वही जो आपने हमें दिया था उसी की बात कर रही है ना? लगता है आज तो मेरा बहाना फूट ही जाएगा। गेम ओवर। काकुल, तुम्हारे लिए तो तुम्हारे ससुराल की हर चीज बहुत ही पवित्र और पूजनीय है, खासकर तुम्हारी प्यारी दादी। तो तुम इतनी बड़ी बात भूल गई? तुम ये कैसे भूल गई कि तुम्हारी इन्हीं प्यारी दादी ने हमारे खानदान के कंगन देकर तुम्हें इस परिवार का हिस्सा बनाया था? सम्मान, हमें सच में याद नहीं है।
काकुल, तुम्हें तो छोटी से छोटी बात याद रहती है, पर ऐसे कैसे हो सकता है कि हम सबको याद है, बस तुम्हें याद नहीं कि दादी ने तुम्हें कंगन दिए थे। हमें सच में याद नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं सम्मान कुछ, हाँ थोड़ा सा याद आ रहा है, वो दादी ने कंगन ही दिए थे। वेरी गुड, अब जब याद आ रहा है तो फिर तुम्हें ये भी याद आ गया होगा कि कंगन कैसे थे। कंगन कैसे थे काकुल? काकुल मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, वो कंगन जो दादी ने दिए थे कैसे थे वो? काकुल बैठो, तुम यहाँ आराम से। उत्तरा जरा जाग के काकुल के लिए पानी ले आ। I'm so sorry दादी, हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा, जब से एक्सीडेंट हुआ जब भी कुछ याद करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे ही दर्द होता है दादी। काकुल पानी पियो। पता नहीं हमें क्या हो रहा है दादी। नहीं बेटा, गलती तो मेरी है, तुम्हारी इस हालत में मैंने इस बात को छेड़ा, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारी अमानत वापस लौटाना चाहती थी। मुझे क्या तो पता था कि तुम्हारी मजबूरी को ये सब लोग विश्वास के तराजू में तो लेंगे। ये ले, इसे पहन। नहीं दादी, अब हम तभी ये कंगन पहनेंगे जब हमें सारी बातें और अपनी सारी जिम्मेदारियां ठीक से याद आ जाएंगी। पागल मन पर बेटा, इन कंगनों पे सिर्फ तुम्हारा ही हक है। सदा सुहागन रहो, हम हॉस्पिटल जाकर नेहा और कौशल्या बुआ से मिला। काकुल, तुम हॉस्पिटल जाने वाली थी नेहा से मिलने के लिए, फिर गई क्यों नहीं? हम हॉस्पिटल जाने ही वाले थे, टैक्सी में पता नहीं क्या हुआ, एकदम से इतने चक्कर आने लगे, सर दर्द होने लगा। हमने टैक्सी वाले को बोला कि वापस यहाँ लेकर आ जाए। वो हार वही जो आपने हमें दिया था उसी की बात कर रही है। आखिर कौन सी सच्चाई तुम छुपा रही हो अपने इस चेहरे के पीछे का? सच्चाई एक्सीडेंट के बाद वाकई ही तुम पर कोई असर हुआ है या फिर कोई और वजह?
सेलफोन बंद करके सोना समझ में आता है, कार्ड निकाल के कहीं और रखना। नहीं काकुल, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे, कुछ तो है। तो नहीं ढूंढ रही हैं आप? हमारा फोन आपके पास है। कमाल है काकुल, एक ऐसा फोन जिसमें सिम तक नहीं है उसके लिए इतनी तड़प। आपने हमारा फोन क्यों चेक किया सम्मान? मैंने तुम्हारा सेल क्यों चेक किया इसका जवाब तो तुम्हारे पास होगा ना? हम समझे नहीं सम्मान। अरे तुम्हें इतना भी याद नहीं, भूल गई क्या? अरे कुछ दिन पहले तक तुम्हारे पास कोई और फोन था, उसका नंबर भी कुछ और था, याद आया? वो क्या है कि मैंने कल रात को देखा कि तुम्हारा फोन बंद पड़ा था, मुझे लगा हो सकता है बैटरी डेड हो गई हो, तो मैंने उसे चार्जिंग पे लगाया तो पता चला बैटरी तो फुल है पर इसके अंदर सिम कार्ड नहीं है। एक्चुअली कल रात को फोन हमारे हाथ से गिर गया था, सब कुछ अलग अलग हो गया, उस वक्त हमने ऐसे ही रख दिया, सोचा कि सुबह आपको ही दे देंगे, आप ही ठीक कर देना। प्लीज ठीक कर दीजिए। ठीक हो गया? ठीक हो गया। ये क्या, इसमें मम्मी का नंबर है, पापा का नंबर है, देविका दी, सुजीत जी, ऋषभ भैया, उस सब का नंबर नहीं है? वो नंबर हमने इरेज कर दिया। इरेज कर दिया? क्यों? बापूजी हमसे नाराज हो सकते हैं और हमारे कॉल्स रिसीव नहीं कर सकते, तो हम भी उनसे नाराज हो सकते हैं। देखो काकुल, वो सम्मान, जब हमारे सम्मान हमारे साथ है तो किसी की नाराजगी काम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोई हमारे बीच गलत फहमी पैदा ना कर सके। लो बंटी, आज तुम्हारे लिए चॉकलेट मिल्क बनाया। ओके पापा, मैं बाद में पी लूंगा। मेरे सामने पी लेते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। लो, एक और बात तुम्हें बतानी थी लेकिन कल तुम रात को सो गए थे इसलिए मैं तुमको बता नहीं पाया। पापा जरूर नए स्कूल की बात करने वाले हैं। आज दिन कौन सा बोलो? फ्राइडे। फ्राइडे तो बस 3 दिन बाद मंडे को मैं और तुम दोनों साथ चलेंगे। कहाँ? तुम्हारे नए स्कूल के प्रिंसिपल का फोन आया था, तुम्हारा एडमिशन उस स्कूल में हो गया है, तो मंडे से मैं और तुम दोनों एक साथ चलेंगे घर से, मजा आएगा है ना? बेटा अपनी सुरीली आवाज में मुझे रामायण पढ़ के सुनाओ। रामायण? ये तो आज तक मैंने खुद ही नहीं सुनी, इसको कैसे पढ़ के सुनाएगी? अरे काकुल कह दो ना, भूल गई हो तुम? नहीं, ये हम कैसे भूल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली
इस वक्त हमें कहीं बाहर जाना है। कहाँ बाहर जाना है? कुछ पर्सनल काम से, कुछ खरीदना है। लो, घर में इतने सारे काम पड़े हैं और तुम्हें किसी पर्सनल काम के लिए खरीदारी करनी है। भई ऐसी क्या खरीदारी करनी है? तरह बहू को हर बात में सवाल करना जरूरी है क्या? माफ करना माँ, गलती हो गई थी। हाँ, खरीदारी करे वो, काम करने के लिए तो है ना हम। चल बेटा, काम करते हैं। दादी, आप तो समझते हैं ना, हम बहाना नहीं बना रहे हैं, हमें सच में कोई जरूरी काम है। मैं सब समझती हूँ बेटी, तू जा अपना काम कर ले, जब वापस आएगी ना तब मुझे सुना देना। थैंक यू दादी। उस काकुल को अभी तक पता नहीं होश आया कि नहीं, मैं ही देखती है। सांस तो चल रही। मरे लिए, लेकिन मेरी लाइफ में तो जब मेला करती है। गई तो थी मैं अपने महाभारत करने, लेकिन रामायण पढ़ के सुनो, ऐसा कहते हैं। चलिए बात खत्म। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ घर लौट जाऊं, तो मुझे मेरा बच्चा लाके दीजिए। माँ, ये सबके सब मिले हुए हैं, सब मुझे झूठा साबित करना चाहते हैं। चुप रहो देर का। माँ प्लीज कुछ बोलिए। मैंने कहा ना, चुप रहो।